बस जाओ, आगे मत जाओ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। तो मैं अपने पहाड़ी कल्चर चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम जा रहे हैं नेरवा से 18 किलोमीटर आगे एक गांव में, जिस गांव का नाम है देहिया। और आप रास्ते के सुंदर से नज़ारे देख सकते हैं। नहीं होते इसकी बलि दी जाती थी लंकड़ वीर को। ये ऐसा वीर है, अच्छा, जिसके लिए खड्डू बकरे के नहीं, हाँ, झूठे की, अच्छा, ऐसे की बलि दी जाती थी। यहाँ ऐसे देवता है? हाँ जी, अब भी देते हैं। अब ये तोड़ दिया, अब थोड़ी सदियों से इसका ऊपर दिया, अब खड्डू बकरे की भी बहुत कम देते हैं। ये है जी आधार का, वो नहीं, ये सामने दिखता है पार, आपको मैं अभी दिखाता हूँ, थोड़ा रुको। अच्छा, ये कौन से देवता का मंदिर भैया? लंकड़बीर का मंदिर है ना ये मंदिर, खासियत क्या है? खासियत इसकी, ये काफी पुराना मंदिर से बना हुआ है। अच्छा, और यहाँ जो है काफी उसमें से जो है झोटे की बलि दी जाती थी। छोटे मतलब बकरे की, भैंसा भैंसे की, अच्छा अच्छा, बलि दी जाती थी। हाँ, अब कुछ साले हुई है जब से यहाँ ये, हाँ, बंद कर रखी है, अब नहीं होती बलि, भैंसे की बलि देना अब जो है, अब तो बकरे खड्डू की नहीं है। हाँ, ये मेरे को लग रहा है बकरे की जो सींग है यहाँ पे लगे हुए है ना, ये खड्डू के सींग है लगे हुए है। अच्छा, तो ऊपर ये देवी माता का मंदिर है इसके साथ ही, और आगे कोई स्काई बनी हुई है। हाँ, जय हो माता दी, काफी प्रत्यक्ष माने जाते हैं। हाँ, ये है बड़ी देवी, ये देवी है, ये लंकड़बीर है, ये काफी प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष, अच्छा, इनकी शक्ति बहुत है। किसी ने किसी के साथ कुछ कर दिया, हाँ, गलत, तो अगर इसके नीचे मानता कर दी, हाँ, तो ये जो है सफाया कर दिया। अच्छा जी, ऐसा वीर है। नमस्ते, हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम आए हैं नेरवा से 18-20 किलोमीटर आगे, जिसका नाम है देहिया। देवदार के पेड़ों को पहाड़ी में अपनी भाषा में केलो कहते हैं, जो कि इन पेड़ों की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, और इन्हें सरकार की परमिशन के बिना कोई काट भी नहीं सकता, वरना उसके ऊपर FIR हो जाती है और ना इसे कोई काट सकता है। इसे सरकार की परमिशन से काट सकते जब सरकार अलाउ करे तो। क्या नाम है भैया इस पेड़ का? इसको ग्रास कहते हैं। इसको खाते भी है ना? इसको खाते भी है, हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि हम इसको तब तक नहीं इसको यूज करते जब एक हमारे बैसाखी पिसाजी आती है। हाँ, वो कब होती है? अच्छा, तो उससे पहले हम इसको नहीं खाते, क्योंकि फिर ये मंदिर में चढ़ता है। अच्छा, इसको जूठा माना जाता है, तब तक नहीं खाते। जब तक ये मंदिर में नहीं चढ़ तब तक इसको खाते। इसका इधर मंदिर है, हर मंदिर में इसकी एक माला बनाई जाती है, हाँ, जो मंदिर के ऊपर डाली जाती है। अच्छा, तो यहाँ ये जो है बहुत पाया जाता है इस जंगल में। ये पेड़ तो बहुत ज्यादा हो गए लगे हुए। हाँ, इस जंगल में ब्रांस के बहुत ज्यादा पेड़। मेरा नाम गोविंद सिंह है, वहाँ पे तो बहुत गर्मी है अभी। इसको कहाँ ले जा रहे हैं आप? घूमने।
कौन सी नस्ल है? ये हेलो दोस्तों, तो मैं अभी जा रही हूँ, साथ में इसके लाडो भी है दोस्तों। इस फूल का नाम क्या है? हमारी भाषा में इसे बुरास कहते हैं, लेकिन वो भैया भी तो इसे बुरास ही कह रहे थे, तो हो सकता है कि तो यार मैन वर्सेस वाइल्ड का ज्यादा सीरियसली ले लिया। आखिरकार दोस्तों मैं जीत चुकी हूँ, और ये रहे यहाँ के फूल की, तो आप सब भी इसकी खुशबू की सुंदरता में आप तक नहीं पहुँचा सकती, लेकिन जिसकी सुंदरता है तो जरूर दिखा सकती हूँ। ये बहुत प्यार करती है, जब भी आते चाहे खेलता भी है ना कोई मेरे साथ, तब भी ये किसी को खेलने नहीं देती। ये रही मेरी मेहनत, और ये रहे मेरे क्यूट से फूल, और फूलों के बीच में एक सुंदर सी परी है। परी किर्द किर्द मेरे दोस्त, ये फूल परी है, ज्यादा नहीं हो रहा कुछ। हम चले आया हो तो मेरे पहाड़ी कल्चर चैनल को लाइक करे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अरे वाह यार, पहाड़ी कल्चर चैनल पर आप सब बने रहे, धन्यवाद, और अपना ध्यान रखें, और बाय, थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। पहली बार तुमने सब्सक्राइब बोला, वो भी सही। मुझे तो लग रहा था तुम कहीं उस तरह से ना बोल दो कि सब्सक्राइब करें या सब्सक्राइब करें। बोलना चाहता था, मुझे अपने अंदर ना थोड़ी सी शर्म से आ जाती थी, आप बोल दो, क्योंकि अभी नई नई वीडियो है, इसीलिए बाय।